हैं स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को मैं मल्टीपल एंगल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ा डिटेल में। तो उससे पहले मैं आपको, चूंकि कल्चर की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में कुछ बता दूँ। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इस तरह डिस्क्राइब होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्ड वैल्यू हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ट्रेडिशंस हो गया और वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट मेक द ऑर्गेनाइजेशन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एंड greatly impact the behavior and motivation and thinking of employees working in the organization। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्ड वैल्यू, प्रिंसिपल और ट्रेडिशन और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करे और उनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफर करे। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब मैं आपके साथ ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को डिस्कस करता हूँ। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हुज मेंबर शेयर कॉमन वैल्यूज, बिलीव्स, ओरिएंटेशन एंड सेंटीमेंट विच आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर। के ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो शेयर करते हैं कॉमन वैल्यूज, नॉर्म, बिलीव्स, सेंटीमेंट, ओरिएंटेशन, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इन एम्प्लॉयज़ को किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से डिफर करते हैं, उनसे फ़र्क करते हैं। तो ये है ब्यूरोक्रेटिक कल्चर। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है इन दिस कल्चर देयर इज़ ए टाइट कंट्रोल ऑन डे टू डे एक्टिविटीज़, फंक्शंस आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कि ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, जैसा कि लफ्ज़ भी ब्यूरोक्रेटिक है, तो उसमें जो है ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है या उसकी फंक्शनिंग होती है या उसका ऑपरेशन होता है या उसके रूटीन मैटर्स होते हैं, फील्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके ऊपर टाइट कंट्रोल होता है। यानी कि एक स्पेसिफिक डोमेन दी होती है हर इंडिविजुअल की, वो उसी डोमेन में रह के अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देता है। उसके अलावा जी फंक्शंस जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हाईली ऑर्गेनाइजेशन विद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है फंक्शन भी उस ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के हिसाब से हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि एवरी इंप्लॉयज नोज इट्स डोमेन। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हर इंप्लॉय जो है वो अपने डोमेन को जान रहा होता है, अपने एरिया ऑफ कंट्रोल को जान रहा होता है, अपनी ड्यूटी को पता होता है, उसको एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है। ये कोई क्लैन कल्चर की तरह नहीं है, फ्रेंडली है, कोलेबरेटिव है, लीस्ट कंपेरेटिव जो कि था। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में एवरी इंप्लॉयज नोज इट्स डोमेन, इट्स एरिया ऑफ कंट्रोल, इट्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर इंप्लॉय जो है इन सब चीज़ों को जान रहा होता है। तो इसका अगला पॉइंट जो है वो डिसीजन, कि इस तरह के कल्चर के अंदर डिसीजन कौन करता है? डिसीजन देयर इज़ ए प्रोटोकॉल फॉर डिसीजन मेकिंग। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर्स में डिसीजन लेने का एक प्रोटोकॉल होता है कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है वो हाईली डिस्करेज होती है। डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक टॉप मैनेजमेंट एक टीम की शक्ल में जो है वो डिसाइड करती है कोई भी इशू होती है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इज स्ट्रॉन्गली डिस्करेज, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग इज स्ट्रॉन्गली डिस्करेज, देयर इज ए प्रोटोकॉल फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि इट स्टार्ट्स विद टॉप लेवल मैनेजमेंट लाइक प्रेसिडेंट, सीईओ, एमडी। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, एमडी है, सीईओ है, डीएमडी है या उसका डायरेक्टर है, तो उससे स्टार्ट होता है। तो हायरार्की कुछ इस तरह से होती है। हायरार्की जो है इस ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है वो मैं आपको फ्रॉम अप टू डाउन बताता हूँ। सबसे ऊपर एमडी, फिर डीएमडीज, फिर जनरल मैनेजर्स, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर्स, सबसे पहले एमडीज, फिर डीएमडीज, फिर डीएमडी के बाद जनरल मैनेजर्स, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर्स, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर्स, फिर चीफ इंजीनियर्स, फिर सीनियर इंजीनियर्स, फिर फील्ड सुपरवाइजर, फिर वर्किंग स्टाफ। ये है ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की हायरार्की। पावर कहाँ पर हेल्ड करती है? पावर हेल्ड विद टॉप मैनेजमेंट, एमडीज हो गए, डीएमडीज हो गए, सीएफओ हो गए, सीईओ हो गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हो गए। पावर हेल्ड विद टॉप मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिन ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वहाँ भी पावर हेल्ड करती है। अदरवाइज कहाँ हेल्ड करती है? एमडीज, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पावर जो है यहाँ हेल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ब्यूरोक्रेटिक कल्चर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ आपको डिटेल से समझाया। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।